अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुमताज़ फैमिली व्लॉग्स। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ उत्तम नगर कुम्हार कॉलोनी में। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं बार बार उत्तम नगर कुम्हार कॉलोनी क्यों आ रही हूँ। रीज़न है गाइस, रीज़न ये है कि मुझे आर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे आर्ट्स बहुत पसंद है, मतलब बहुत बहुत बहुत। और जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी कुम्हार कॉलोनी की, फर्स्ट एंड सेकंड, वो प्लीज़ जाकर एक बार चेक करें, देखें। वो दोनों वीडियोस बिल्कुल अलग है और ये आज की वीडियो गाइस पूरी अलग मिलेगी आपको। और कुम्हार कॉलोनी मुझे बस रीज़न यही है कि मुझे आर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी मैं आती हूँ, जितनी बार आती हूँ, यहाँ कुछ नया दिखता है, मुझे नया करने के लिए मिलता है। तो आप लोगों के साथ भी वीडियो में शेयर कर लेती हूँ गाइस। आज की इस वीडियो में देख सकते हो पूरा डिफरेंट है ये पूरा वीडियो। पहले के दो वीडियो से मेरी अलग है आज की वीडियो। और देख सकते हो गाइस ये मिट्टी का वाटर कलर पे कैसे कलर हो रहा है। ये भी एक आर्ट है, इसे भी सीखना चाहिए और मेरे ख्याल से लाइफ में हर चीज़ सीखनी चाहिए। ये कलरिंग हो रहा है गाइस ये मिट्टी के वाटर कूलर पे। एक नीचे चक्री सी है, उसी पे ये मिट्टी का वाटर कूलर रखते हैं, फिर इसको ब्रश से करते हैं राउंड राउंड, हाथ की हेल्प से इस चक्री को घुमाते हैं, तो जिसकी वजह से एक फिनिशिंग वाली अच्छी कलर होती है। ये दो शेड में कलर होगा, रेड एंड ब्लैक। एक लाइन ड्रॉ की हुई है, उस लाइन के नीचे हमें रेड कलर करना है और बीच में फिर वाइट, फिर ऊपर में रेड। फिर ये सूखता है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट डे इस पर डिज़ाइन होता है। इस तरह से ये है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये मुझे छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ जाके। मुझे हर बार कुछ ना कुछ गाइस सीखने को नया मिलता है। मुझे बेशक अभी आ नहीं रहा है, पर हाँ मैंने कोशिश की सीखने के लिए। और गाइज मैं आप लोगों को इस वाली चाक पे दिखाऊंगी कि किस तरह से मिट्टी के वाटर कूलर को फिनिशिंग दी जाती है। इसी तरीके से फिनिशिंग की जाती है, क्योंकि जो इसका लास्ट टचअप होता है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है, उसे निकालते हैं एक चूरी टाइप कुछ लोहे का होता है, उसकी हेल्प से। चाक पे रखने के बाद और इसको गोल गोल, बिजली से चलती है गाइज ये चाक, तो इसको गोल गोल घुमा के जो भी इस पे एक्स्ट्रा मिट्टी होती है या एक फिनिशिंग होती है, लास्ट फिनिशिंग जो होती है, उसके बाद फिर फिनिशिंग नहीं दी जाती, फिर कलरिंग और इस पे डिज़ाइन या फिर इसको पकाना, ये सारी चीज़ें होएगी। बस ये लास्ट टचअप जो होता है वो अब हो रही है। सो गाइस मैंने ये भी चीज़ सीखा और सीख रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ आकर, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और देख सकते हो जैसा कि आप इस वीडियो में, सो गाइस एक एक करके ये सारी मिट्टी के जो वाटर कूलर हैं, ये इसी तरीके से लास्ट टचअप होएगा इसका, जो तराशेंगे वो जो एक्स्ट्रा मिट्टी होएगी वो इसी तरीके से हटाते हैं, तो इसी तरीके से हटती है, जो एक फिनिशिंग बहुत अच्छा एक लुक जो निकल कर आता है मटके में, वह इसी तरीके से आता है गाइस। सो गाइस अब मैं बनाने वाली हूँ मिट्टी का तुलसी गमला, सीखने वाली हूँ किस तरह से बनता है, क्योंकि ये मैंने ये इस बार आई हूँ तो ये मुझे एक अलग चीज़ देखने को मिली, तो मेरा जो एक्साइटमेंट था वो और डबल हो गया, क्योंकि मुझे सीखना था, किस तरह से देखना था और सीखना था ये आर्ट्स, किस तरह से मिट्टी का तुलसी गमला बनाया जाता है। मैंने कभी देखा नहीं इस चीज़ को कि मिट्टी का तुलसी गमला किस तरह से बनाते हैं। सो गाइस आज देख भी रही हूँ और ट्राई भी कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ। तो मिट्टी का तुलसी गमला इस तरह से बनता है गाइस, जो फ्रेम पे जो डिज़ाइन होता है उस पे चिकनी मिट्टी रख कर और हाथ की हेल्प से ठोक ठोक के उस पे मिट्टी पे डिज़ाइन निकालते हैं, कि जो भी फ्रेम पे जो डिज़ाइन है फरमे पे वो सारा मिट्टी में छप कर आ जाए। ये चिकनी मिट्टी से पहले गोल गोल रोटी की शेप में
थपरी की हेल्प से बना बना के पहले रख लेना है, उसके बाद की आसानी इजीली एक एक मिट्टी उठाकर फरमे पे और ठोक ठोको वो इजीली जल्दी बन जाए। इस तरह से जितनी दूर ये डिज़ाइन है फरमे पे उतनी दूर इसे रख रख के ठोकना है हाथ की हेल्प से। पहले हमें मिट्टी को उसी आकार में बिठाना है जिस आकार में फरमे पे डिज़ाइन बना हुआ है उसी तरीके से, और फिर उसको ठोकना है हाथ की हेल्प से। और जिधर हमें मिट्टी कम लग रही है जिस फरमे के साइड में उस धर और हमें मिट्टी रखना है और उसको सही आकार में उसको रख के उसको फिर ठोकते जाना है। इस तरह से मेरे लिए एक बहुत ही एक अलग सा नया सा एक्सपीरियंस था गाइस ये मिट्टी का तुलसी गमला बनाने का। आप लोगों से गाइस प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, जब भी समझ आएगा कि ये पूरा प्रोसीजर क्या है मिट्टी के तुलसी गमले का और किस तरह से ये बन के तैयार होता है। ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी कि मिट्टी का तुलसी गमला किस तरह से बनाया जाता है और इसका प्रोसीजर क्या है बनाने का, वो सारी चीज़ इस वीडियो में देखने को मिलेगी गाइज। अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि किस तरह से बनाया ये मिट्टी का तुलसी गमला। तो गाइज प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और कमेंट में बताना है कि मैंने किस तरह से कोशिश की सीखने की और बनाने की। सो गाइज अब ये करना है कि जो हमारे फरमे पे जितनी हमने मिट्टी ठोकी थी वो सारा फरमे से मिट्टी पे छप जाएगा वो। तो उसके बाद एक्स्ट्रा मिट्टी जितनी है वो सब हम एक चक्कू से काट देंगे साइड साइड से इस तरह से। सो गाइज अब हम दूसरा फरमा लेंगे और इसमें पॉटी में एक पाउडर है उस पर हम फरमे पे लगा लेंगे, जिसकी वजह से ये जो मिट्टी है ये चिकनी मिट्टी इस पर रखने से वो फरमे में चिपकेगी नहीं मिट्टी डायरेक्ट, वो इजीली निकल कर आएगा। जब हम इसको फरमे में से निकालेंगे तो वो ईजीली निकल कर आएगा और फरमे की जितनी भी डिज़ाइन है वो इस चिकनी मिट्टी में सही से छप जाएगी। और फिर इसे हथेली की हेल्प से इसको ऐसे ही दबाते रहना है कि सारा फरमे का डिज़ाइन इस पर छप जाए। चार फरमा होएगा गाइस, चार फरमे में एक तुलसी गमला तैयार हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हमने चार फरमे तैयार करने होंगे इसी प्रोसीजर में। ये जो भैया मुझे इतने अच्छे से सिखा रहे हैं ये, इनको मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं इनका, क्योंकि इतनी क्लियरिटी के साथ इन्होंने समझाया और बताया, इजीली मुझे समझ आ गई और मैं भी बना रही हूँ इनकी देख देख के। तो बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके गाइस कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर पा रही हूँ।
और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू उनको बोलना चाहूँगी जिनकी वजह से ये वीडियो शूट हो पा रही है। ये जो यहाँ के ऑनर है, जिनके यहाँ ये सारी चीज़ें बनती हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था गाइस, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरिटी के साथ एक एक चीज़ दिखा पा रही हूँ। तो उनको भी बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरी तरफ़ से उन्हें भी, उस ब्रदर को भी। और अब मैं इतना अपने आप को मास्टर समझने लगी हूँ ना, कि मैं इस वाले भैया से अब कंपटीशन करने लगी थी कि देखते हैं कि कौन बनाता है सबसे पहले। दिखने में गाइस ये इतना इजी लग रहा है, इजी प्रोसीजर, कि हाँ एक हाथ से थपकी मारने से ये फरमे पे छप जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक पत्थर के फरमे पर डिज़ाइन है, उस पर चिकनी मिट्टी रख के जो हाथ से थपकी मारने से हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है गाइस। और इन लोगों को तो खैर आदत है, पर ऐसी बात नहीं है कि इन्हें पेन नहीं होता होगा, पेन बराबर होता है। बस एक काम है, काम को करना है, तो बस। बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि मुझे कुछ नया सीख रही थी मैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, मेरे लिए बहुत न्यू न्यू एक्सपीरियंस था गाइस। देखो भैया चाकू लूं? नहीं, एक साल करो जैसे मैंने इसको किया। यहाँ से देख सकते हो गाइस, अभी तक मेरा फ्रेम फरमा फिनिशिंग नहीं हुआ, जब से मैं इसको थपकी मारे जा रही हूँ। भैया का हो चुका है फिनिशिंग फरमा, तीन फरमा पूरी तरीके से तैयार है, बस चौथा फरमा मेरे हाथ में है जो अभी तक तैयार नहीं हो रहा है। और भैया ने अभी एक छोटी सी प्लाई बोर्ड ली और ऊपर एक मिट्टी का इन्होंने चकरी लिया, और इसको भी हाथ की हेल्प से थपकी मार मार के ये बड़ी कर रहे हैं इस तरह से। गाइस देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो में, और अभी तक मेरा यह फरमा तैयार हो ही नहीं रहा। ये जितना दिखने में कि हाँ इजी दिख रहा है कि एक फरमे पे मिट्टी से थपकी मार दो छप जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्क है ये, बाय गॉड। गाइस थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है ये, थोड़ी लंबी नहीं, ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो, बट प्लीज़ आप लोग पूरा देख लीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनी है। इतनी दूर जाकर, उत्तम नगर जाकर ये वीडियो शूट हुआ है, और प्लस इसको मैंने दिखाने के साथ साथ, वीडियो को दिखाने के साथ साथ खुद भी मैंने सीखने की कोशिश की है, और उस चीज़ को बनाने की कोशिश की कि कितनी मेहनत लगती है, वो चीज़ मुझे पता चलनी चाहिए। कि हाँ दिखने में तो बहुत इजी लगता है कि सारी चीज़ें ऐसी बन गई होंगी, पर वो जो जो फील होता है बनाने वक्त, वो सारी चीज़ें मुझे हो रही थी, तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है ये गाइस। सो गाइस मेरा फरमा फाइनली रेडी हो चुका है, और इसको कट करने का टाइम आ गया, कट हो रहा है ये, साइड साइड से इसकी मिट्टी हट रही है, और चारों फरमे अब तैयार हो चुके हैं। अब फाइनल बारी आती है इसकी तुलसी गमला बनने की, देखने के लिए कि किस तरह से ये जॉइंट होता है अब ये।
सो गाइस, वीडियो को पूरा वॉच करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस वर्ड को, वरना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि किस तरह से ये बन गया है। बन के इतना प्यारा सा सुंदर सा तुलसी गमला तैयार हो गया। वो जो गाइस मैंने आपको बताया था, जो छोटी सी प्लाई पे एक भैया मिट्टी की जो थपकी मार रहे थे, उसी पे ये चारों फरमे को बिठाना है। साइड साइड से चारों जो इसका वो फरमे का जो पल्ला है ये जॉइन करना है। तो ये कुछ ज़्यादा भारी है ये, तो इस वजह से वो भैया लगा रहे थे कि ये गीली मिट्टी है, कहीं टूट ना जाए, ये सारी मेहनत वेस्ट ना हो जाए। तो बस मैं ये एक ही लगा पाई इनकी हेल्प से। देख सकते हो गाइस, ये चारों फरमे आपस में चिपक चुके हैं, और चिपकने के बाद भैया ने ये थोड़ा सा ऐसे दबा दिया है कि आपस में और सही से जॉइंट हो जाएं, और एक टाइट रबर की बेल्ट की हेल्प से इन्होंने बीच में इसे फंसा दिया कि ये आराम से आपस में जॉइंट हो जाएं सारे फरमे की मिट्टी। और इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखेंगे ये, कि फिर आसानी के साथ ये जो अंदर से तुलसी गमला है फरमे में से आसानी से निकल जाए। और थोड़ी बहुत जो अंदर से ये फिनिशिंग करेंगे ये मिट्टी लगाकर, फिर ये मिट्टी का कुछ गोल गोल बना के साइडों से लगाएंगे ये। इस तरह से भैया लगाना शुरू कर रहे हैं। सो गाइस, देख सकते हो आप सभी लोग कि अंदर की जो बची कुची मिट्टी बाकी थी, वो भैया ने लगाने के बाद इसे सेट होने दिया थोड़ा टाइम तक। फिर उसके बाद बेल्ट हटाने के बाद ये इतनी आसानी से ये तुलसी गमले में से फरमा निकल रहा है, और बिल्कुल भी मिट्टी नहीं चिपक रही, और ये बिल्कुल भी टूट के नहीं निकलना, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही सारे फरमों पर सूखा पाउडर लगा दिया था, जिसकी वजह से ये आसानी से ये फरमे में से निकल रहा है। बट फिर भी थोड़ा केयरफुली इसे निकाल लें, वरना ये इतना प्यारा सा तुलसी गमला टूट सकता है। देख सकते हो गाइस आप लोग, कितना प्यारा ये तुलसी गमला बनके तैयार हुआ है। ये जितनी भी अंदर जो प्रिंट थे इस फरमे पे, वो सारा इस मिट्टी में चिपक गया, और कितना ही प्यारा ये तुलसी गमला तैयार हुआ है ये। देख सकते हो गाइस, कितना प्यारा सा बन के आया ना। और जो नीचे की जो साइड की जो मिट्टी थी, वो भैया वो भी कट कर दिए हैं चक्कू से, और ऊपर भी थोड़ी बहुत कट कर रहे हैं, जो इसकी एक अच्छी सी फिनिशिंग वाली लुक आती है, वो इसे लुक देंगे अभी से इस गमले को। और जो एक निशान दिख रही होगी आप लोगों को साइड से, ये जो बीच में की ये जॉइंट नहीं हुआ, इसे भी सही करेंगे ये। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो गाइस, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस। और मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना गाइस। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।